जब अपनी एक्स और अपना गाना सुनकर रोने लगे थे सलमान खान, भरी महफिल में दबंग खान की आंखों में आ गए थे आंसू। इस सॉन्ग की वजह से सलमान को ऐश्वर्या से बिछड़ने का दर्द छलक पड़ा था। गाना को सुनने के बाद सलमान को ऐश्वर्या के साथ बिताए हर मोमेंट्स मानो याद आ गए थे और उनके पेन को कैमरे ने भी कैप्चर कर लिया था। तो आखिर कौन सा ये गाना किस फिल्म का है और सलमान ने इसको कहां किस भरी महफिल में सुना था, आइए जानते हैं इस पुराने किस्से को एकदम डिटेल से। देखिए, सलमान खान अपनी फिल्मों के साथ ही साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खबरों में रहते हैं। सलमान खान का रिश्ता बॉलीवुड की कई हसीनाओं, कई एक्ट्रेसेस के साथ रहा है। खासकर ऐश्वर्या राय के साथ उनके रिश्ते की चर्चा सबसे ज्यादा रही और एक बार फिर से ऐश्वर्या और सलमान का ब्रेकअप चर्चा का टॉपिक बन चुका है, क्योंकि सलमान का एक पुराना रियलिटी शो का वीडियो टॉक ऑफ द टाउन बन गया है, जिसमें सलमान खान अपने और ऐश के गाने तड़प तड़प को सुनकर लिटरली रोने लग जाते हैं। दरअसल 1990s के दशक में सलमान खान और ऐश्वर्या राय के रिश्ते की खबरें काफी सुर्खियों में रहती थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में थे, लेकिन अपने रिश्ते के 2 साल बाद कथित तौर पर सलमान के एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से ऐश्वर्या और सलमान अलग हो गए। इसके बाद ऐश्वर्या ने अभिषेक बच्चन से शादी की और दोनों की एक बेटी भी है। इधर सलमान अब भी सिंगल हैं और सलमान खान को उस रिश्ते की टीज शायद आज तक होती है, जो एक रियलिटी शो में कैमरे के सामने वो छलक भी गया था। वेल, ऐश्वर्या राय और सलमान खान ने एक साथ एक सुपरहिट फिल्म दी थी, हम दिल दे चुके सनम। इस फिल्म में एक गाना था, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलने लगी, जिसे इस्माइल दरबार ने कंपोज किया था और केके ने गाया था। सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामा में जब सलमान खान के सामने एक कंटेस्टेंट ने इस गाने को गाया तो सलमान खान अपने आंसू नहीं रोक पाए। कैमरे में आंसू पोंछते सलमान खान कैद हो गए और इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो वायरल भी जा रहा है। वेल, टोटली ब्रेकअप के इतने सालों बाद भी सलमान और ऐश का प्यार, ब्रेकअप समेत तमाम बातों पर फैंस के बीच चर्चा होती रहती है और फैंस सलमान और ऐश से जुड़ा कुछ ना कुछ कंटेंट खोज ही निकाल देते हैं। वेल, आपके इस पर क्या व्यूज हैं हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। एंड फॉर मोस्ट अपडेट्स डू फॉलो आवर पेज।